वेलकम टू मैथ क्लास जनरल। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। मेरे पास स्टेटमेंट क्या है, क्यूब रूट फाइंड करना है मैंने इस नंबर का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड करना है, तो जो नंबर गिवन है उसका सबसे पहले क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स जब भी हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम प्राइम नंबर्स ले रहे होते हैं, टू से स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि जो भी नंबर है अगर तो टू से डिवाइड होता है तो टू से ही हमने यहाँ पर टू ही लेना है। अगर टू से नहीं होता फिर देखना होता है, टू से नहीं हो रहा तो थ्री से ले लें, थ्री से नहीं हो रहा फिर फाइव से ले लें। डायरेक्ट आपने ये नहीं करना कि इससे हो रहा बड़े नंबर से वो ले लेना, ऐसा नहीं करना, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं नंबर टू से डिवाइड होता है, यस इस नंबर का लास्ट डिजिट टू है, इनमें से है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जीरो या टू या फोर या सिक्स या एट में से हो तो इसका क्या मतलब, वो नंबर टू से डिवाइड हो जाता है। तो ये नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज इसका लास्ट डिजिट टू है, इनमें से है। यहाँ पर टू मैं राइट कर लेती हूँ। अब टू डायरेक्ट पता है कितने टाइम फाइव वन टू होगा, तो यहाँ पर राइट कर देते हैं। अदरवाइज टू के टेबल में यहाँ पर फाइव नहीं आता, टू के नंबर में फाइव नहीं आता, ठीक है। तो फाइव नहीं आता, फाइव से छोटा फोर आता है, तो फोर को सॉल्व कर लेते हैं। टू कितने टाइम फोर होता है, टू टाइम। यहाँ पे मैं राइट भी कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, इसको कट करके यहाँ पे फोर बना देते हैं। टू कितने टाइम फोर होता है, टू टाइम। ये फाइव था, हमने फोर को सॉल्व किया, वन इधर शिफ्ट हो गया, बन गया इलेवन। टू कितने टाइम इलेवन होता है, इलेवन नहीं होता, टेन होता है। टू कितने टाइम टेन होता है, हमारे पास फाइव टाइम, तो यहाँ पर फाइव राइट कर देते हैं। और यहाँ पर इलेवन था, हमने टेन को सॉल्व किया, ओके तो इसका वन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बन गया ट्वेल्व। तो टू कितने टाइम ट्वेल्व होता है, सिक्स टाइम। डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, इन दोनों को टू से डिवाइड करो तो जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। अगेन ये नंबर टू से डिवाइड होता है, यस जब तक ये डिवाइड हो जाएगा हमने टू से डिवाइड करते रहना है, जो भी नंबर आता आगे आता जाएगा। इस नंबर का लास्ट डेट सिक्स है, इनमें से है, तो ये नंबर भी टू से डिवाइड हो जाएगा। टू वन टाइम टू हो गया, और टू के टेबल में फाइव नहीं आता, फाइव से छोटा फोर आता है, टू के टेबल में फोर आता है, टू टाइम। ये फाइव था, हमने फोर को सॉल्व किया, वन इधर शिफ्ट हो गया, सिक्सटीन बन गया। टू कितने टाइम सिक्सटीन होता है, एट टाइम। अगेन टू ले लेंगे बिकॉज ये नंबर डिविजिबल बाय टू है। टू कितने टाइम ट्वेल्व होता है, सिक्स टाइम। और टू कितने टाइम एट होता है, फोर टाइम। टू कितने टाइम सिक्सटी फोर होता है, थर्टी टू टाइम। टू कितने टाइम थर्टी टू होता है, सिक्सटीन। देन टू कितने टाइम सिक्सटीन होता है, एट। और टू कितने टाइम एट फोर, देन टू और टू वन टाइम। ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम इसके सामने इसके प्राइम फैक्टर्स राइट करते हैं, जो नंबर गिवन है वो यहाँ पे राइट कर लिया। और इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन टाइम्स टू है हमारे पास, तो इसको इस तरह से राइट कर देते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और ये नाइन टाइम्स मैंने राइट कर दिया। ये तो मैंने इस नंबर के फैक्टर्स राइट कर दिए, प्राइम फैक्टर्स। अब क्या करूँगी मैं, ये राइट करूँगी कि मैं अब इनको ग्रुप बना के इनका देखती हूँ, ग्रुपिंग करती हूँ। अगर तो ये इस तरह से ग्रुप बन गए, थ्री थ्री का ग्रुप, और कोई भी नंबर लेफ्ट ओवर ना हुआ तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट करते हैं कि बाय ग्रुपिंग, जो मैंने काम करना हो पहले राइट करती हूँ। बाय ग्रुपिंग द फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स आए हैं इनको ग्रुप करें, ग्रुपिंग करेंगे इनकी। बाय ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स, इनको थ्री थ्री का ग्रुप बना देते हैं, तो इसलिए ट्रिपलेट्स बोल रहे हैं, इन ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। कैसे बनाएंगे, फाइव वन टू नंबर है, और यहाँ पर ये थ्री का इस तरह से ग्रुप बन जाएगा एक ब्रैकेट में। टू जो है वो थ्री टाइम राइट कर लेते हैं, ये थ्री नंबर्स आ गए, एक ग्रुप बन गया। नेक्स्ट में भी थ्री नंबर्स आ गए, और इस ग्रुप में भी थ्री नंबर्स आ गए, तो थ्री थ्री नंबर्स का हमारे पास ग्रुप बन गया। तो बन सकता है यस। तो अब आगे राइट करते हैं हम के है फाइव वन टू कैन बी ग्रुप्ड, ये ग्रुप बन सकता है इनका, ठीक है। इनके फैक्टर्स का फाइव वन टू के फैक्टर्स का ग्रुप बन सकता है, और कंप्लीट है, कोई भी नंबर लेफ्ट ओवर नहीं है। कैन बी ग्रुप्ड इन टू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। सो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, कि जो फाइव वन टू है वो
इस तरह से आ जाएगा कि एक इस ग्रुप में से नंबर राइट कर लेना है, एक इस ग्रुप में से जो भी हो, इधर तो बाई चांस 2-2 है, हाई कंडीशन में हाई में सेम नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, इस ग्रुप से एक नंबर पिक कर लेना, सेम ही होगा ना, वो सेम ही नंबर होगा। मींस ये कहने का है कि अगर इधर 2 है इस ग्रुप में तो सारे 2 होंगे, अगर 3 है तो सारे 3 होंगे, अगर इस ग्रुप में 4 है तो इसमें सारे 4 नंबर होंगे। इसमें से 2 पिक कर लिया, 2 पिक कर लिया, इस ग्रुप से भी हम 2 एक पिक कर लेते हैं, फिर क्या हो जाना, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2 क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 आ जाएगा, 8 आ गया। और अब हम यहाँ पे राइट करते हैं कि हैंस जो 8 है ना वो क्या है, इस क्यूब रूट ऑफ 512। तो सिंपल सा है, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके पास नंबर गिवन होगा उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेना, नंबर को उधर राइट करना, ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली एज ए प्रोडक्ट राइट कर लेना, देन यहाँ पे राइट करना है कि इनको हम ग्रुपिंग करने लगे हैं ट्रिपलेट्स में, 3-3 का ग्रुप बनाने लगे हैं इन फैक्टर्स का, तो फिर नंबर को राइट करो, देन ग्रुपिंग इस तरह से ब्रैकेट्स में 3-3 नंबर्स राइट कर दो, फिर जो है हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं कि कोई भी नंबर लेफ्ट ओवर नहीं है तो 5 और 2 जो है उनको ग्रुप किया जा सकता है ट्रिपलेट्स में ऑफ इक्वल फैक्टर्स, तो फिर क्या आ जाएगा, हर ग्रुप में से हमने एक एक नंबर जो सेम ही होगा ना तो 1-1 नंबर पिक कर लेना, मतलब 2, 2 और 2 पिक कर लिया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 8 आ गया, तो जो 8 है वो क्या है, हमारे पास क्यूब रूट है 512 का। तो इस तरह से सॉल्व करना, आप अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।